टॉपिक इज डायरेक्टर, जो आज हम टॉपिक डिस्कस करेंगे उसके अंदर सारे जो भी डायरेक्टर से रिलेटेड जो भी क्लॉजेस हैं वो एक एक करके हम डिस्कस करेंगे. सबसे पहले हु आर डायरेक्टर्स, दोज पर्सन हु डायरेक्ट और सुपरवाइज द अफेयर ऑफ द कंपनी आर नोन एज डायरेक्टर ऑफ द कंपनी. एवरी कंपनी शेल हैव बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, दैट मीन्स डायरेक्टर्स के जो एक ग्रुप है उसे हम बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स बोलते हैं, राइट. तो दोज पर्सन हु डायरेक्ट यानी जो डायरेक्शंस देते हैं, गाइडेंस देते हैं, सुपरवाइज करते हैं किसको, कंपनी के जो भी इंटरनल अफेयर्स और एक्सटर्नल अफेयर्स हैं उन्हें हम क्या बुलाते हैं, डायरेक्टर. नाउ वॉट आर द टाइप्स ऑफ डायरेक्टर, तो देयर आर 9 टाइप्स ऑफ डायरेक्टर्स एंड दिस इज नॉट एग्जॉस्टिव लिस्ट, और भी हो सकते हैं इसके अंदर. फर्स्ट डायरेक्टर, एडिशनल डायरेक्टर, डीम्ड डायरेक्टर, शेडो डायरेक्टर, डी फैक्टो डायरेक्टर, कैजुअल एंड एडहॉक डायरेक्टर, ऑल्टरनेट डायरेक्टर, नॉमिनी डायरेक्टर, स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर. तो ये 9 तरीके के हमारे पास डायरेक्टर हैं, एक एक करके इनको डिस्कस करते हैं. सबसे पहले फर्स्ट डायरेक्टर, दैट इज अपॉइंटेड बाय द प्रमोटर्स. जब कंपनी स्टार्ट होती है तो कौन स्टार्टअप देते हैं कंपनी को, प्रमोटर देते हैं. तो जो पहले सबसे पहली मीटिंग में जो प्रमोटर अपॉइंट होते हैं उन्हें हम लोग क्या बुलाते हैं, फर्स्ट प्रमोटर, फर्स्ट डायरेक्टर, ठीक है ना. होल्ड ऑफिस अंटिल डायरेक्टर्स आर नॉट अपॉइंटेड इन एनुअल जनरल मीटिंग. तो ये तब तक डायरेक्टर बने रहते हैं जब तक जो एनुअल जनरल मीटिंग होनी है, कंपनी की जो मेन एनुअल जनरल मीटिंग होनी है अब स्टार्टअप के बाद, उसमें जब तक डायरेक्टर्स, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स अपॉइंट नहीं होते, तब तक जो ये फर्स्ट डायरेक्टर है ये ऑफिस होल्ड करके रहेंगे, ठीक है ना. अब एडिशनल डायरेक्टर, तो आपके पास फर्स्ट डायरेक्टर जो है वो अपॉइंट हो गया, उसके बाद अगर लगता है कि उनके साथ सपोर्ट में और डायरेक्टर होने चाहिए तो सेकंड आ जाएंगे आपके पास एडिशनल डायरेक्टर, ठीक है ना, दैट इज व्हाट एडिशनल डायरेक्टर. थर्ड इज डीम्ड डायरेक्टर, ठीक है ना, हु इज नॉट फॉर्मली अपॉइंटेड, ठीक है, बट गिव द डायरेक्शन टू द कंपनी. डीम्ड का मतलब ये होता है कि जो डायरेक्टर जैसे दिख रहे हैं, ठीक है ना, डीम्ड जैसे हम जनरली डीम्ड का मतलब इस्तेमाल करते हैं. तो डीम्ड डायरेक्टर मतलब हु इज नॉट फॉर्मली अपॉइंटेड बट स्टिल गिव द डायरेक्शन टू द कंपनी लाइक अ डायरेक्टर, दीज आर डीम्ड डायरेक्टर. फोर्थ, शेडो डायरेक्टर, हु कंट्रोल द कंपनी बट हाइड दिस फैक्ट. डी फैक्टो मतलब दिखाई नहीं दे रहे कि वो कंपनी को सुपरवाइज कर रहे हैं, कंट्रोल कर रहे हैं, लेकिन वो कंपनी की शेडो है, मतलब छुपे हुए हैं कहीं. शेडो कई बार हम नहीं देखते हैं, तो पर्सन को देखते हैं, तो शेडो पीछे कहीं छुपे हुए हैं. तो अभी हमने फोर टाइप ऑफ डायरेक्टर, फर्स्ट डायरेक्टर, तो सबसे पहले किसी कंपनी में अपॉइंट करे जाते हैं, दैट इज फर्स्ट डायरेक्टर. उन्हीं को सपोर्ट देने के लिए अगर हमने और डायरेक्टर अपॉइंट करे तो एडिशनल डायरेक्टर. फिर आपके पास डीम्ड डायरेक्टर है, हु इज नॉट फॉर्मली अपॉइंटेड बट स्टिल गिव द डायरेक्शन टू द कंपनी. नाउ द शेडो डायरेक्टर, हु कंट्रोल द कंपनी प्रॉपरली बट ही हाइड दिस फैक्ट, ठीक है ना. उसके बाद डी फैक्टो, ठीक है, डी फैक्टो क्या है, ही इज नॉट फॉर्मली अपॉइंटेड. लाइक शेडो डायरेक्टर हमने देखे वो तो फॉर्मली अपॉइंटेड थे, डीम डायरेक्टर फॉर्मली अपॉइंट नहीं थे. सिमिलरली डी फैक्टो भी आपके पास फॉर्मली अपॉइंट नहीं होते, फिर भी ओपनली एक्ट एज अ डायरेक्टर. सामने पूरे तरीके से वो एक डायरेक्टर की तरह से काम आते हैं और सबको दिखाई देता है, छुपकर नहीं करते, हाइडे में नहीं करते, पूरा सामने, दैट इज व्हाट डी फैक्टो डायरेक्टर. फिर है कैजुअल या एडहॉक डायरेक्टर. जैसा कि नाम से पता चला, कैजुअल यानी कोई वैकेंसी अराइज हो गई, कोई डायरेक्टर इस टाइम नहीं है तो उनकी वैकेंसी को फिल करने के लिए, वैकेंसी किसी वजह से भी हो सकती है, किसी डायरेक्टर की डेथ हो जाना या किसी डायरेक्टर का रेजिग्नेशन दे देना या किसी लॉन्ग ड्यूरेशन की छुट्टी पे चले जाना, तो कुछ भी रीजन हो सकता है जिस वजह से वो कैजुअल वैकेंसी अराइज हुई, और उस कैजुअल वैकेंसी को फिल करने के लिए आपने जो डायरेक्टर अपॉइंट करा दैट इज व्हाट कैजुअल या एडहॉक डायरेक्टर, ठीक है ना. कैजुअल वोकेटेड पोजीशन ऑफ बाय डायरेक्टर बी फिल्ड बाय बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, ही शैल होल्ड ऑफिस टिल फॉर हुम वैकेंसी इज अराइज्ड बी अपॉइंटेड फिल्ड. मतलब जिनकी वैकेंसी के लिए उन इसको अपॉइंट करा गया, जो नए डायरेक्टर हैं दैट इज कैजुअल डायरेक्टर, वो तब तक वो ऑफिस होल्ड करेंगे जब तक वो वैकेंसी फिल नहीं हो जाती है एनुअल जनरल मीटिंग में. और जो कैजुअल वैकेंसी है वो कब अराइज होती है, डेथ, इलनेस, इनसैनिटी, रेजिग्नेशन या डिसक्वालीफाइड हो गए वो डायरेक्टर बनने के कारण या रिमूव कर दिए गए. तो इन सब वजहों से एक डायरेक्टर की पोजीशन जो है वो खाली हो जाती है, डेथ, इलनेस, रेजिग्नेशन, इनसैनिटी, डिसक्वालिफिकेशन एंड रिमूवल. प्राइवेट कंपनी मे और मे नॉट फिल द कैजुअल वैकेंसी, अगर उनको लगता है कोई जरूरत नहीं लगती तो नहीं भी कर सकते. फिर एक और देखते हैं हम लोग, ऑल्टरनेट डायरेक्टर. तो ऑल्टरनेट डायरेक्टर क्या है, ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन पास करा जाएगा एंड ही फिल्ड द वैकेंसी ऑफ द ओरिजिनल डायरेक्टर, ठीक है ना, नॉट लेस देन 3 months. तो जब ओरिजिनल जो डायरेक्टर हैं वो अपनी वैकेंसी, मतलब वो खाली हो जाती है उनकी वैकेंसी, तो उसको फिल करने के लिए अब हमें उनकी जगह कोई डायरेक्टर चाहिए, दैट इज ऑल्टरनेट डायरेक्टर. कैजुअल डायरेक्टर तो एक तरीके से सिर्फ उस कैजुअल वैकेंसी को थोड़े समय के लिए टेम्परेरी बेसिस पे फिल करने के, जैसे कैजुअल लेबर क्या होती है, जो टेम्परेरी बेसिस के लिए लाई जाती है, बिल्कुल उसी तरीके से कैजुअल डायरेक्टर है. लेकिन ऑल्टरनेट डायरेक्टर तो पूरा टेन्योर लेंगे अपना, लेकिन उनकी जगह पर आए, जो वैकेंसी खाली उनकी जगह पर आए, दैट इज वो ऑल्टरनेट डायरेक्टर. नाउ नॉमिनी डायरेक्टर,
हु इज अपॉइंटेड बाय द थर्ड पार्टी, जिन्हें थर्ड पार्टी ने नॉमिनेशन दिया, चाहे वो क्रेडिटर्स हो सकते हैं कंपनी के या फिर डिवेंचर होल्डर हो सकते हैं, किसी भी और तरीके के स्टेक होल्डर ने नॉमिनेशन दिया कि ये पर्सन जो है डायरेक्टर की पोजिशन के लिए जो है केपेबल है, क्वालिफाइड है, सच एज बैंक हु प्रोवाइड फाइनेंशियल असिस्टेंस टू द कंपनी, मस्ट मेंशन इन एओए। तो ये चीज आपको एओए में मेंशन करनी है कि इस तरीके की नॉमिनी डायरेक्टर हम अपॉइंट कर सकते हैं। तो दीज आर द टाइप्स ऑफ डायरेक्टर, राइट। उसके बाद हाउ द अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर कैन टेक प्लेस। फर्स्ट डायरेक्टर जो होते हैं वो प्रमोटर के थ्रू अपॉइंट होते हैं, क्योंकि उस टाइम आपके पास कोई भी अभी एनुअल जनरल मीटिंग नहीं हुई है जनरली, तो फर्स्ट डायरेक्टर अपॉइंटेड बाय प्रमोटर। सब्सिक्वेंट डायरेक्टर आर अपॉइंटेड इन एनुअल जनरल मीटिंग। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ऑल्सो अपॉइंट द डायरेक्टर। ना अभी तो हमने देखा जो फर्स्ट डायरेक्टर है उन्हें प्रमोटर अपॉइंट करेंगे, फिर बाकी जो नेक्स्ट जो डायरेक्टर्स होंगे वो एनुअल जनरल मीटिंग में अपॉइंट करे जाएंगे, और फिर जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ऑलरेडी एग्जिस्टेंस है उनके पास भी पावर है कि वो डायरेक्टर्स को क्या कर सकते हैं, अपॉइंट कर सकते हैं, ठीक है, इन केस ऑफ ऑल्टरनेट डायरेक्टर और कैजुअल डायरेक्टर। इन केस में जो है वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर अपॉइंट कर सकते हैं, जो कि कैजुअल वैकेंसी अराइज हो गई या फिर हमें और डायरेक्टर चाहिए क्योंकि वैकेंसी खाली हो गई है, ठीक है ना। डायरेक्टर में भी अपॉइंटेड बाय थर्ड पार्टी ऑल्सो, दैट इज बैंक, जैसे हमने अभी बात करी थी नॉमिनी डायरेक्टर के केस में। एंड डायरेक्टर अपॉइंटेड बाय ट्रिब्यूनल ऑल्सो, जब नेसेसरी लगता है पब्लिक कंपनी के अंदर कि डायरेक्टर अपॉइंट नहीं करे जा रहे, ना प्रमोटर के थ्रू, ना एजीएम में अपॉइंट हुए, ना बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने अपॉइंट करे, ना थर्ड पार्टी ने, तो कभी कभी ट्रिब्यूनल इंटरफेयर करती है और उसमें उनके लिए डायरेक्टर अपॉइंट कर दिए जाते हैं। एंड समटाइम्स इट इज बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट।